ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो ना बाबू, हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो 10 क्या हो गया सर, एलसीएम हो गया, ये 2x हो गया बाबू, दिस वन इज द बाबू 2x बाबू, और दिस वन इज द बाबू 2x, और दिस वन इज द 2x, ये वाला 2x सर, ये वाला 2x सर, ये वाला 2x सर, ये वाला 2x। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 टू 4 टू 6 और टू 8, 8x बाय 10। अब इसका डेसिमल में कन्वर्ट कर लो तो 0.8x, दिस इज द आंसर बाबू। यस सर, आंसर आ गया सर। वेरी गुड बाबू, वेरी गुड। सत्या बार बार इतना क्यों टॉर्चर करते बाबू मेंटली, समझ में आया दित्री? हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट। 52 नंबर और 53 नंबर करके लाना घर से, उसके बाद अगला टाइप बता रहे हैं इसलिए बाबू, अगला टाइप करा रहा है ना, दो तीन क्वेश्चन घर से करके लाना ठीक है। 52 नंबर 0.3x सर प्लस सर 0.3x सर प्लस सर 0.3x, इसको घर से करके लाइएगा। 53 नंबर बाबू 0.4x सर प्लस 0. बाबू 3x सर प्लस बाबू 0.4x सर और प्लस बाबू 0.3x, ठीक है। 0.12x सर होगा सर फर्स्ट वाले का सर। हाँ बाबू, सिमिलर टाइप क्वेश्चन देना जरूरी है ना। नेक्स्ट 0.5x बाय अगर दे दिया तो सर, तो x की जगह x बाय आ जाएगा, डरना क्या बाबू, 0.5x बाय आ जाएगा तो x बाय दे देगा। नीचे वाले का होगा सर 0.14x। हाँ बाबू 0.5x बाय बाबू और प्लस बाबू 0.5x बाय, कितना तीन वो डी आई बाय है बाबू, मतलब सर डू इट योर सेल्फ बाबू, अपने करना है सर। अच्छा ठीक है, इसको अपने से करना है घर में। अब अगला टाइप पढ़ाते हैं, इसमें बाबू थोड़ा सा अगला टाइप आता है, अगला टाइप आएगा। इरेज मत करिए सर, बस दो मिनट। अच्छा ठीक है, जल्दी लिखो, फास्ट लिखो थोड़ा सा, समझ में आता है बर्निका? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट बर्निका? सर आ रहा है समझ में सर। हाँ बाबू लगता है ठीक जाओगे, लगता है कि भाग जाओगे। सर भागेंगे तो नहीं सर। चले अच्छी बात है, आज वेदांत के पापा से बात करते कि नहीं शर्मा जी, है ना? यस सर कीजिए, है ना, थोड़ा मांग लेते हैं चंदा उंदा सर जो भी है दे दीजिए, मेरा काम धाम चल जाएगा। सर वेदांत का मम्मी से बात कीजिएगा, उसके पापा से नहीं। अच्छा मम्मी से, अच्छा ठीक है मम्मी से। यस सर, उसकी मम्मी से बात कीजिएगा। अच्छी बात है, चलिए ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट बाबू, अगर सर यहाँ देखो बाबू डेसिमल के बाद क्या नंबर ऑफ डिजिट, शांति से सुनो, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट क्या है, सेम है, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ सारे में डिजिट सेम है ना, अगर नंबर ऑफ डिजिट डिफरेंट रहेगा मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं सर 55 नंबर बाबू, 55 नंबर बताएंगे, इसको बताते हैं। जैसे सर 0. बाबू 2 है सर, x है सर, और प्लस बाबू 0. सर 0.2 हो गया सर, x हो गया सर, प्लस बाबू 0.02 हो गया और x हो गया, है ना। अब इसको आपको ऐड करना, शांति से देखो आर्यन, आर्यन बाबू अलजेब्रा बाबू, हाँ अलजेब्रा इतना आसानी से पढ़ा देंगे ना बाबू कि आपको पता नहीं चलेगा कब खत्म हो गया। मैक्सिमम डिजिट कितना है सर, 3 है, तो सभी में बाबू डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम करना है। कैसे करोगे मतलब डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट कितना करोगे, 3 करोगे, सेम करने का मतलब 3 करोगे, सबसे ज्यादा डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट कहाँ, इसी में ना बहुत 3 डिजिट है, तो सभी को 3 डिजिट बनाओ। तो कैसे करोगे, 0. बाबू 2 हो गया, 1 डिजिट हो गया, 2 और कैसे करोगे, तो 2 को 0 सब्स्टिट्यूट कर देना, 2 को क्या कर देना बाबू, 0 सब्स्टिट्यूट, ठीक है। हाँ बाबू अच्छी बात है, नेक्स्ट बाबू 0. बाबू 0.2, यहाँ 2 डिजिट है तो एक और 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, x हो गया, यहाँ तो 3 वो है ही सर, 0.02 तो है ही, और x है, x दे दो, है ना, ठीक है सर। अरे खाली x बाय देख के डरा दिया जाता, अगर सिंपली x नहीं रहता तो इसका एडिशन जानते हो ना, तो x है तो साथ में x को लेके चलो, x मेरा कोई काल काटा थोड़ी बाबू कि हमको इससे डर लग रहा है, ये तो खाली ऐसे डराने के लिए दे दिया गया,
ठीक है सर, वीडियो आपका बंद हो गया सर, आपका वीडियो अच्छा देखते हैं। अच्छा बाबू ठीक है, ऑन हो जाएगा, ठीक ठीक है सर। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट ठीक है। तो यहाँ बाबू क्या करेंगे, अभी डेसिमल को हटाएंगे बाबू, तो ऊपर कितना है सर, 200 है सर, और डिनोमिनेटर में कितना जीरो दोगे बाबू, तो डेसिमल को हटाएं सर, तो डेसिमल को हटाओगे तो उसके बदले वन, इसके बाद डिजिट काउंट करो, 1 2 3, तो तीन को है तो तीन को जीरो देना। नेक्स्ट बाबू यहाँ डेसिमल को हटाएंगे सर, डेसिमल करोगे तो डिनोमिनेटर में डेसिमल के बदले वन देना, इसके बाद कितना डिजिट सर, 1 2 3, तो तीन को जीरो देना, तो ऊपर क्या बाबू 0 2 0 एक्स हो गया है ना, ठीक है सर। इसमें बाबू डेसिमल हटा दिए सर, तो डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल का हटाएंगे तो क्या देंगे, वन देंगे, उसके बाद डिजिट काउंट करो, 1 2 3, तो तीन को जीरो, इंजॉय करके तो पढ़ना है। फिर क्या बाबू 0 0 2 है और एक्स है तो एक्स हो गया। अब 0 0 2 बाबू क्या होता है, मेरा दुई होता है ना, ये 0 पॉइंट, ये 0 20 है, तो किसी किसी भी नंबर के बाबू आगे 0 रहने से नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होता है ना, तो इतना हो गया। अब बाबू 1000 1000 क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। कुछ बोल रही है हमारे सानवी बाबू, आप बोलती हो इतनी प्यार से ना, 200 by 1000 के बाद आपने x नहीं लिखा। हाँ चलो ठीक है, वेरी गुड, यहाँ x हो जाएगा है ना, यहाँ x हो जाएगा, दिस वन इज द x, ठीक है। अब 1000 क्या हो जाएगा बाबू, एलसीएम हो जाएगा, 1000 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक ठीक सर। ये कितना है ऊपर, 200x है सर, तो 200x हो गया सर। नेक्स्ट बाबू ऊपर 20 है सर, तो 20x हो गया सर। नेक्स्ट बाबू ये 2x है सर, तो 2x हो गया। अब बाबू इसको ऐड करना, तो मान लो x नहीं रहता, तो 200 + 20 + 2 कितना, 222, 200 + 20 + 2 कितना, 222 हो जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 222 हो जाएगा, 222 हो गया, 220 + 2 हो गया, अपॉन 1000 हो गया। लेकिन x था ना सर, x था ना बाबू, x था ना, तो x था तो x हम लोग कर देंगे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट बाबू दिस फ्रैक्शन इनटू डेसिमल है ना, देन व्हाट वी गेट बाबू, मान लो अगर x नहीं रहता बाबू, तो डिनोमिनेटर में कई जीरो सर, 3 0 3 0 बाबू, डिनोमिनेटर में कितना जीरो सर, 3 0, तो इधर से बाबू 3 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करो, 1 2 3 यहां पे डेसिमल पुट कर दो, ठीक। अभी डेसिमल को हाईलाइट करने के लिए आगे जीरो कर दो, लेकिन x है ना सर, तो बगल में x दे दो, समझे परनिका? Yes, हाँ कल पढ़ाए वही चीज आज पढ़ा रहे हैं, कल यही बताया ना शैतान, वही तो। आर्यन समझा बाबू, आर्यन थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर पार हो गया? हाँ सर समझा मैं। अच्छा ऊपर ऊपर पार हो गया, आधा समझे सर, मुझे लास्ट वाला लाइन में थोड़ा सा गड़बड़ है सर, कि कितना मतलब कि डेसिमल को हाईलाइट करने के लिए कितना जीरो पुट करना होगा सर, वही। अरे शैतान, नीचे 3, हाँ बाबू राइट डाउन करो, नीचे 3 0 ना बाबू, इधर से 3 डिजिट के बाद 222 है, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट बाद डेसिमल पुट करो, नीचे जितना जीरो इधर राइट हैंड साइड से उतना डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर देना। ओके सर, थैंक यू सर। जल्दी कीजिए, सत्यम समझा बाबू, ये 2-3 गो स्टूडेंट से टेंशन होता है, बाकी से टेंशन हमको नहीं है। तो गलती कैसे बना लेते हो होमवर्क बाबू? हां जाने के सर अति जीरो हटा दे सब। हां तो वही आपके एग्जाम में बाबू, मान लो मैथ का एग्जाम दोगे, आ गया 80 मार्क्स मैथ में है ना, तो टीचर भी वही बोला, हम भी सोचते हैं सर जीरो हटा देते, क्या दिक्कत है, जैसे आप करोगे टीचर भी वैसे ही करेगा ना बाबू, आप जीरो हटा दिए वो भी जीरो हटा देगा, अपना समझते रहिए है ना, एक आप ही तेज नहीं हो बाबू। चलो नेक्स्ट आप, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। नो सर, तो ये बाबू क्या एलजेब्रा का क्या एडिशन है, जल्दी थोड़ा फास्ट लिखो, एलजेब्रा का एडिशन है, 55 क्वेश्चन अभी तक हो चुका है, आज सिर्फ एडिशन ही होगा, सब्ट्रैक्शन नहीं होगा बाबू, हम लोग एडिशन करते करते 55 क्वेश्चन पहुंचे, 56वां बता रहे हैं, ठीक है ना, आप 2 ही दिन से आ रहे हैं बाबू, तो बहुत सारे चीज आपके आगे भी निकल चुके हैं। ओके सर, ठीक है ना, वो हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, फ्रैक्शन वाला करवा चुके हैं बाबू सर, 5 मिनट कर दीजिए ना। अच्छा शैतान, अब बाबू मान लो सर 0.7 है सर, x है सर, प्लस बाबू 0.77 है और x है,
प्लस बाबू 0. बाबू 777 है और 8 है, इसको कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, कौन हमारे सबसे होनहार विद्यार्थी है? बनाओ आर्यन, बना के बता दो तो बाबू, तब समझो यहाँ आपको आता है। 2.247x सही है सर। आय सर 2.247x यस सर 2.247x सर। सुर में सुर मिलाएगा, दिखा दो सत्यम, सत्यम बाबू सुर में सुर मिला दिया, ये सत्यम दिखाइए ना, सत्यम, सत्यम बाबू बना रहा होगा सर अभी, दिखाओ ना, बनाए तो दिखाने में क्या जाता है, नहीं बनाया था सत्यम, सुर में सुर तो बना के बोल कैसे दिया, सुर में सुर मिला कैसे दिया सर? मेरा भी 2.247x है। वेरी गुड बाबू हमारे संजना। चलो हम लोग डिस्कस करते हैं बाबू, है ना, हम लोग डिस्कस करते हैं, देखो कैसे करना शैतान, पहले देखो डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट कितना है सर, यहाँ 1 है सर, यहाँ 2 है सर, यहाँ 3 है, तो डेसिमल के बाद बाबू नंबर ऑफ डिजिट सेम करो ताकि आपको एलसीएम लेने में आसान हो। तो इसको 3 बनाओ बाबू, 3 डिजिट बनाओ तो 0.7 है सर, 3 डिजिट कैसे बनेगा, 2 को 0 पुट कर दो तो 700x हो गया, यहाँ 2 डिजिट है सर, इसको 3 डिजिट बनाओ, 0. बाबू 77 कर दो, 0 कर दो, x कर दो, नेक्स्ट बाबू 0. बाबू 777 कर दो, x कर दो, ठीक सर, नेक्स्ट बाबू, ठीक है, ठीक है सर। अब बाबू ये डेसिमल हटाओ, तो डेसिमल हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में क्या देंगे, डिनोमिनेटर में क्या देंगे, नेक्स्ट बाबू, ठीक है, ये अगला लाइन में लिख देते हैं, ये डेसिमल हटाएंगे, ग्रीन ब्लैक आ रहा है सर, अच्छा ठीक, ये डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल को बदले क्या दोगे, 1 दोगे, इसके बाद कितना डिजिट, 1, 2, 3, तो तीन डिनोमिनेटर में 3 को 0 करिए ना सर, स्क्रीन को सर, अरे वो सर क्लियर दिख रहा है, क्लियर जा रहा है बाबू, मेरा लैपटॉप में भी दिखता ना सर, हमको ब्लर होता तो हमको लैपटॉप में भी ब्लर हो जाता ना, ठीक है, हाँ बाबू आपका चैनल का नाम क्या है? सोलिस है बाबू, सब आएगा ना, अभी आप लोग आयो बाबू, स्थिर रहो ना, सब बस पता चलेगा धीरे धीरे, ठीक है, ये 770 भाई इतना हो जाएगा, इसका बताओ तो आर्यन बाबू कितना होगा, इसका बताओ तो फ्रैक्शन में, यस सर इसका होगा, हाँ बाबू होगा 7/1000 बटा, ठीक सर 1000, नेक्स्ट बाबू 1000 सभी जगह, एलसीएम कितना हो जाएंगे 1000 हो जाएंगे, अब इसको ऐड करो 700x बाबू प्लस 770x बाबू अब प्लस 777 है x है, तो ऐड करो सारे को, 7 बाबू 7 7 आ जाएंगे बाबू, ये 7 हो गया, ये 7 14 हो गया, ये 4 हो गया बाबू, असाद ये 7 × 14 21 21 22 अपॉन बाबू x है सर, हाँ बाबू 500, अब बाबू इसमें डेसिमल सब्स्टिट्यूट करो, तो डिनोमिनेटर में क्या 0 सर, 3 0, मेरा आंसर कितना है सर 22 बाबू 47 x हो गया है ना, अब बाबू यहाँ से देखो डेसिमल में डिनोमिनेटर क्या 0 1 2 3 0, तो इधर से 3 डिजिट के बाद राइट हैंड साइड से 3 डिजिट के बाद 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट यहाँ पे डेसिमल पुट करो, तो दिस इज योर फाइनल आंसर बाबू, समझा आ रहा है, वेरी गुड बाबू, यस सर, मेरा होगा 2.297x, अच्छी बात है, एक तो दीजिए ना सर, दे रहे हैं बाबू दे रहे हैं, हाँ सर एक और दीजिए,
देखो बाबू आर्यन, आपका फ्रेंड आनंद आ गया, लेकिन आपसे बहुत आगे निकला हुआ है, दूर दूर तक आगे निकला हुआ, अभी आप यहीं पे हो। चलिए आप भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत की जरूरत है। ये आपका स्टार्टअप है बाबू, है ना? अलजेब्रा चल रहा, बताएंगे आपके पापा को, समझाएंगे बाबू 7 बजे के बाद। आपके पापा आपके पास है बाबू आर्यन? यस सर। तो बीच में मीटिंग ऑफ ही नहीं हुआ, तो 7 बजे के बाद रहेंगे ना आपके पास? यस सर है। हाँ बाबू, तो लाइव बात कर लेंगे, है ना? अभी तो तुरंत क्लास होगा, बैक टू बैक क्लास होता बाबू, तो टाइम तो नहीं मिल पाएगा, है ना? नेक्स्ट बाबू 57 नंबर, ये मेरे कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, कौन बनाएगा? 0.6 बाबू एक से सर, प्लस 0. बाबू 06 कौन बनाता है सर, प्लस बाबू 0. बाबू 0066। आज जानवी शर्मा हो बाबू की, भाग गई जानवी शर्मा, इतना देर से शांत कैसे है शर्मा? सर यहीं पे है सर। यहीं पे हो तो बताओ उसका आंसर, बताओ जल्दी से। तो वो आप, वो जो आई बाबू आता आई, आपका नाम कैसे ले रहे थे, हमको समझ में नहीं आता सर। मेरे क्लास में कोई आसान नाम की लड़की सर, 0.6 4 बार 6 0.4 बार 6 0.4 बार 6। चलो अच्छी बात है, बना हाँ वो, लेकिन स्टेप बाय सीखो ना, वो तो हमको भी पता है बाबू, शॉर्टकट हमको भी पता है, लेकिन स्टेप बाय सीखो, आपको हमको भी सिखाना मत ना, आंसर तुम्हारे सब बच्चे बता देते हैं। सीखिए जल्दी से, बनाइए स्थिर से, बनाइए धीरे धीरे, धीरे धीरे नहीं तेजी से बनाइए। सत्याम बनाओ बाबू सत्याम, आने तो धुन देंगे, धुनने में पीछे नहीं। बनाओ सानवी, जल्दी बनाए बाबू। यस सर। वर्णिका समझ में आता है बाबू, वर्णिका? यस सर। हाँ बाबू, तो चल जाओगे छोड़ के? नहीं। कितने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स सबको छोड़ के चल जाओगे, देखो कोई उड़ीसा का है, कोई जहानाबाद का है। गुड इवनिंग सर। बस देखे काया शैतान, गुड इवनिंग करना है, अभी टाइम हुआ, अभी 20 मिनट बाकी है। शैतान नहीं। हाँ तो अभी 20 मिनट बाकी है, ठीक है ना? कितना अच्छा क्लास है, क्लास हमेशा खुला हुआ रहता सर, जब आइए गुड इवनिंग बोल दीजिए। जैसे जैसे बच, आप कौन गुड इवनिंग करने आ रहा, कौन बोला? यस यस, हाँ यस का तो आवाज लग रहा था, गुड इवनिंग मारेंगे इतना हमारा क्वेश्चन बनाओ, कितना आंसर है यस? सर 0.6666। चलो ठीक है, देखिए बाबू देखिए 666x आंसर। ओ हाँ सर एक्स छूट गया सर, एक्स आते वो कैसे करो बाबू, बताओ बताया बर्निका, इसका डेसिमल, इसका फ्रैक्शन बताओ, कितना लिखें फ्रैक्शन इसका बताओ सर। 0.666। गुड इवनिंग सर। अंशु जी तभी क्यों परेशान कर बाबू, अपने टाइम पे है ना, पहले से क्यों आ जाते हो, 6 बजे टाइम है, 6 बजे आइए। बताओ बर्निका बाबू इसका ये बताओ फ्रैक्शन बताओ सर। 6000 सर, 4 डिजिट 6 5 पहले नंबर ऑफ डिजिट सेम करो, ठीक है? तो सर देखो डेसिमल के बाद सबसे नंबर ऑफ डिजिट कहां, यहां 4 गए सर, तो 0. बाबू 6 होगा, यहां पे 4 डिजिट बनाते हैं। हाँ बाबू यूकेजी का लड़का है बाबू, है ना, यूकेजी का ही है। नेक्स्ट बाबू, यहाँ 2 डिजिट है सर, तो 2 डिजिट के बाद 4 को कैसे बनाओगे, 2 को और बनाओ। अरे इस तरह से सिंपल से बताते बाबू, है ना, कि आपको बाबू, तो इसीलिए ना है कि हम बाबू मेरे क्लास में बार बार बोलते हैं ना कि हर सेकंड वाला रहेगा वो भी समझ जाएगा, तो यही से बाबू बहुत सारे स्कूल में नहीं बताया जाता है ना, सिंपल से आएगा 2 क्वेश्चन बता देगा, सिंपलेस्ट वे से पढ़ाई। यहाँ बाबू डेसिमल के बाद क्या डिजिट, 3 डिजिट सर, कितना बनाना, 4 बनाना, 2 को क्वेश्चन बनाएगा, और HW में सर, DIY में सर 10 को क्वेश्चन देगा। नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट, यहाँ बाबू डेसिमल के बाद 0.066 हो गया, है ना। नेक्स्ट बाबू, अब बाबू इसका फ्रैक्शन कन्वर्ट करो, बताओ बर्निका इसका फ्रैक्शन। हमको अटेंडेंस जैसा लग रहा है बर्निका बाबू, इसका बताओ, इसका बताइए अभी ये फ्रैक्शन बताइए। तेरा आवाज नहीं आ रही,
इसका फ्रैक्शन बताओ, फ्रैक्शन बताओ आर्यन बाबा, आर्यन आर्यन आप बताओ, आर्यन आप बताओ इसका फ्रैक्शन। इसका फ्रैक्शन होगा 600 बाय 10। बीच में क्यों बोलते हैं सुजीत, लीव कर देंगे ठीक है, अपने टाइम पे आओ ना बाबू। बोलो आर्यन कितना होगा 6000 बाय कितना होगा? नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बाबू? तो ये 600 है सर, डिवाइडेड बाय बाबू कितना हो जाएगा? 1 पे बाबू 4 टाइम्स 0 कर दो, इनटू x हो गया। नेक्स्ट बाबू ये 60 हो जाएगा बाबू, 1 पे 4 टाइम्स 0 बाबू x हो जाएगा। अब प्लस बाबू कितना हो जाएगा? 6 बाय बाबू 1 पे 4 टाइम्स 0 इनटू x हो गया। नेक्स्ट बाबू एलसीएम ले लो बाबू, तो ये कितना हो जाएगा? 10,000 एलसीएम हो जाएगा है ना। नेक्स्ट बाबू तो ये ऊपर कितना हो जाएगा? 6,000 हो जाएगा। ये 600 हो गया बाबू, इसके साथ x हो गया प्लस 6 हो गया, x 60 हो गया प्लस 6 हो गया ठीक। अब बाबू इसको ऐड करो, 6,660 और 6 तो 6,666 हो जाएगा, 6,666 हो जाएगा। डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 10,000 इनटू x हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू 0.666 ठीक है, इधर से ऐसे करो, इधर से ऐसे करो सर, 0.666 हो जाएगा है ना सर। मेरा भी यही आंसर आया। वेरी गुड बाबू, सर मेरा भी यही है। अच्छा बाबू पहले लिखने तो दे सब शैतान को। सर मेरा देखिए, सर कंप्लीटेड देखिए सर। ओके बाबू ठीक है बाबू, समझ में आया आर्यन कितना बाबू? आर्यन हाँ सर आया सर। चलो ठीक है, राइट डाउन करो, राइट डाउन करो बाबू, इरेज करेंगे, राइट डाउन कीजिए सर। लिख लिए, लिख लिया आर्यन सर। अल्लाह करे नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू 58 नंबर बाबू। तो इसमें जितना भी पॉसिबल कैसे बाबू, पॉसिबल कैसे सारे आपको हम डिस्कस कर चुके हैं। 1 बाबू 01 बाबू x प्लस 1 बाबू 01x प्लस 1 बाबू 001x और प्लस बाबू 1 बाबू 0001x करो। तो इसको कुछ करना है बाबू, सारे क्वेश्चन बाबू सिमिलर कंसेप्ट है। किस कंसेप्ट क्या है? सिमिलर है। अभी डेसिमल के पहले क्या है? 4.0111 होगा ना। कीजिए आर्यन, कीजिए बर्निका बाबू कीजिए। तो होम ट्यूशन भी पढ़ती है बर्निका? लो बाबू होम ट्यूशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जब 1,000 रुपए में काम चल रहा हो तो 3,000 लगाने की क्या जरूरत है सर। नो सर, होम ट्यूशन तो नहीं करते सर, अभी आप ही का ज्वाइन कर रहे सर कल से। हाँ बाबू देखो आपको समझाते हैं सिस्टम बाबू। पहले आप बच्चे होंगे बाबू, तब पापा से पूछेगा, कॉल करना उसका अलग रिचार्ज आता था, मैसेज करना उसका अलग रिचार्ज पैक आता था ठीक, और बाबू नेट चलाना तो उसका अलग रिचार्ज आता था। अब बाबू 200 में सब आ जाता है, अनलिमिटेड कॉल भी आ जाता है, अनलिमिटेड मैसेज भी आ जाता है ना बाबू, और नेट भी दे देते हैं। तो उसी तरह से होम ट्यूशन है बाबू 4.012x। हाँ बाबू ठीक है, तो उसी तरह से आप होम ट्यूशन पढ़ोगे तो 3,500 और 4,000 लगेंगे, वहां ना आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, रिकॉर्डिंग का नामो निशान नहीं होगा। हाँ बाबू अच्छी अच्छी बात है, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, संडे को संडे टेस्ट नहीं होगा। जो होम ट्यूशन में सर जो पढ़ा के जाएंगे वो फिर थोड़ी देर के बाद भूल जाएंगे सर, और वीडियो रिकॉर्ड भी तो होता नहीं है सर। हाँ तो यहाँ रिकॉर्डिंग मिलता है, संडे का संडे टेस्ट होता है, और बाबू डेली अटेंडेंस बनता है यहाँ, 30 में 300 दिन रहोगे तो अटेंडेंस के लिए प्राइज मिलेगा, टेस्ट में अच्छा मार्क्स आएगा तो प्राइज मिलेगा,
और बाबू क्या है, और क्या है बाबू, और हमारे यहाँ वही स्टूडेंट टिकेगा जो पढ़ने वाला रहेगा, जो पढ़ने वाला नहीं रहेगा वो नहीं टिकेगा, क्योंकि बाबू जो भी स्कोर कार्ड आएगा तो आपके पापा के पास डायरेक्ट रिजल्ट जाएगा कि आपके बच्चे ने 40 मार्क्स में मान लो 35 मार्क्स लाया तो पापा के पास जाएगा, तो जो बच्चे पढ़ने वाला रहेगा है ना वो टिकेगा, जो नहीं पढ़ने वाला रहता पलाई से अटक जाता है ना, जिसको अपना भविष्य बनाना है वो हमारे यहाँ टिकता है, जिसको नहीं बनाना वो भाग जाता है। तो 1000 रुपये में बहुत सारे फैसिलिटी दे रहे हैं। और उसके बाद बाबू सबसे बड़ा फैसिलिटी, आप किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाओ, अलजेब्रा खत्म होगा, किसी भी दुनिया का किसी भी बुक से बनाओ क्वेश्चन बन जाएगा, देखोगे आंसर। नहीं विश्वास होता तो 6 बजे वाला बैच से पूछना, अभी जो आएगा शैतान दो चार गो आ गया है वो सब देखता फटाफट बताता, तो सब पढ़ा दिए ना। देखो बाबू कैसे करना इसको बाबू, डेसिमल के बाद पहले नंबर। हाँ बाबू साहब हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, देखो डेसिमल के बाबू, डेसिमल के बाद क्या बाबू, नंबर ऑफ डिजिट सेम करना है ना, तो यहाँ 1 डिजिट सर, यहाँ 2 डिजिट सर, यहाँ 3 डिजिट सर, यहाँ 4 डिजिट, तो सभी को डेसिमल के बाद 4 डिजिट बना, तो 1 पॉइंट बाबू 0 हो गया। 4 डिजिट कैसे बनेगा सर, 1 0 2 0 3 डिजिट, डेसिमल का 4 डिजिट x है सर, x 2। नेक्स्ट बाबू यहाँ डेसिमल के बाद कितना डिजिट है सर, 2 तो है सर, तो हमको 4 बनाना, तो 2 0 और सब्स्टिट्यूट करो, तो और कर दिए 1 हो गया, यहाँ भी 4 बना बाबू, डेसिमल के बाद 0 0 1 हो गया बाबू, 3 डिजिट है ना, तो हमको 4 बनाना, तो 1 0 और करो, ये 1 हो गया। नेक्स्ट बाबू ये कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट बाबू 0 0 0, ये तो ऑलरेडी डेसिमल के बाद 4 है, तो इसमें क्या करोगे, नहीं करना इसको, छोड़ छाड़ नहीं करना, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट बाबू ऐसा क्यों करते बाबू, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट इसलिए बराबर करते बाबू, इसलिए बराबर करते हैं ताकि आपको एलसीएम लेने में क्या हो, डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या हो, सेम हो जाएगा, डिनोमेटर में सेम नंबर आ जाएंगे तो एलसीएम लेने में आपको आसान हो जाएगा, है ना बाबू, इसीलिए करते हैं। ठीक है, तो इसको डेसिमल, अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, कितना होगा आर्यन बताओ इसका फ्रैक्शन, आर्यन सर 10,000 बोलो, 10,000 बोलो ना 10,000 upon 10,000। अब बताओ जानवी शर्मा इसका फ्रैक्शन बताओ, जानवी शर्मा अरे तो बहुत ढूंढ देगा आपका, 100 हाँ 100 10 एक्स बाय 10,000 बाय टेन थाउजेंड वेरी गुड मेरे लाल। संजना आप बताओ इसका, संजना आप बताओ बाबू, 1 0 हाँ बाबू 1 0 1 x अपॉन 10,000 है ना, उधर रोल नंबर लिख लेंगे, रोल नंबर से पूछेंगे है ना। नेक्स्ट एलसीएम कितना हो जाएगा सर, 10,000 इज द एलसीएम। नेक्स्ट बाबू ये कितना हो गया सर, ये x हो गया बाबू, प्लस 1 0 0 हो गया, x हो गया बाबू, प्लस 1 0 0 1 0 x हो गया, अब प्लस बाबू 1 0 0 1 x हो गया। ठीक, अब इसको ऐड करो शैतान, इसको क्या करो ऐड करो, देखो 1 इसको ऐड करो, कैसे ऐड करो बताओ, यहाँ से यूनिट प्लस पर पहले x मान लो, थोड़ा देर के लिए भूल जाओ बाबू, फॉरगेट दिए है ना, तो सिंपली ऐड करो 1 बाबू 0 0 0 तो 1 हो जाएगा, सेकंड डिजिट देखो 0 है सर, सेकंड 1 है सर, सेकंड 0 है सर, सेकंड 1 हो गया वो, थर्ड डिजिट देखो थर्ड डिजिट 0 है सर, थर्ड डिजिट 0 है सर, थर्ड डिजिट 1 है सर, थर्ड डिजिट 0 है सर, तो 1 हो जाएगा। फोर्थ डिजिट देखो बाबू, फोर्थ डिजिट क्या 1 2 3 1 2, ये फोर्थ डिजिट है, फोर्थ डिजिट 0 है सर, या 1 2 3 4 फोर डिजिट 0 है सर, फोर डिजिट 0 है, फोर डिजिट यहाँ 1 2 3 4 फोर डिजिट 0 है ना बाबू, फोर डिजिट 0 तो 0 हो जाएगा, और 1 1 1 कितना 1 1 1 1 1 4 हो जाएगा अपॉन 10,000, और यहाँ x है x कर दो। अब बाबू कितना है सर, कितना 4 ट्रिपल 1 है,
अब बाबू यहाँ पे डेसिमल पुट करो तो डिनोमिनेटर में क्या जीरो, एक दो तीन चार, तो इधर से बाबू चार जीरो के बाद, चार डिजिट के बाद, एक दो तीन चार के बाद, चार के बाद यही तो आता है ये एक सौ क्या। समझा आ रहा? हाँ बोलो ना मेरे जानवी दास, बोलिए बाबू। सर आपने जो लिखा है डेसिमल को कन्वर्ट करने वक्त आपने जो लिखा है 1.10100, सर हमें उसे ऐसे में लिख सकते हैं जो वन के पीछे जो जीरो है अगर वो नहीं देंगे नहीं होगा? वन के पीछे जीरो यहाँ पे बाबू? नो सर, जैसे कि आपने लिखा है 1.0100x, सर अगर ऐसा लिखेंगे 1.100x तो नहीं होगा क्योंकि डेसिमल के बाद तो 1 के पीछे 0 है। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, 1 डेसिमल? यस सर, सर 1.0100 लिखा है वन जीरो वन, अरे सदन चलो 1.0100 ये वाला। यस सर, सर अगर हम इसे ऐसे लिखेंगे वन के बाद तो एक डेसिमल पॉइंट है तो उसके बाद जो जीरो है उसे लिखना पड़ेगा या नहीं लिखने से भी चलेगा क्योंकि अगर एक जीरो के पीछे जीरो है? सर 4.012 आता है ये वाला जीरो के बाद, ये वाला जीरो वन के पीछे वाला, सर वन के पीछे वाला इधर इधर इसका पीछे ये हुआ ना बाबू कि ये वाला जीरो की बात कर रहे हो? सर वन तो ये सर वो वाला, सर यही वाला नहीं देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। अरे हाँ बाबू पूरे गलत हो जाएगा, अरे शैतान देखो टाइम बाबू 1 बाबू 1.00 है ना, तो डेसिमल के बाद डिजिट है उसके बाद जीरो दो चाहे दो, जैसे 1.10 का जो वैल्यू होगा बाबू सिमिलर वैल्यू होगा जैसे 1.00 बाबू इसका जो वैल्यू होगा वही वैल्यू बाबू 1.1 का होगा। लेकिन लेकिन सर यदि बाबू अगर आप यहाँ से अगर डिजिट है डेसिमल के बाद कोई डिजिट है डिजिट के बाद जीरो तो उस जीरो का हटा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाबू अगर ऐसे है 1.01 है ना तो बाबू आप यहाँ से इस जीरो को मत हटा देना, इसको 1.1 ऐसे मत लिख देना, ये जीरो हटा के 1.1 मत कर देना, गलती हो जाएगा। डेसिमल के बाद जीरो तभी हटाना बाबू उसके बाद कोई डिजिट नहीं रहे, जैसे 1. बाबू डेसिमल के बाद जैसे सर क्या सर क्या सर क्या सर शांति से सुनो 1. बाबू 1 है 0.0 है तो ये तीनों जीरो को हटा सकते हो। लेकिन यही बाबू मान लो 1.00 या 2 आ जाएगा तो इसके बाद डिजिट हो गया ना बाबू, तो डिजिट आ गया तो बीच से जीरो मत हटाना, जीरो के बाद कोई डिजिट नहीं रहेगा तभी हटाना, समझे जानवी दास? यस सर समझ गए है ना। चलो ठीक है बाबू, ठीक है बाबू तो इसको उतार लीजिए और हम लोग बाबू अभी तो 6 बजे वाला बैच वाला क्लास होगा और क्या बोलते हैं आर्यन, समझ में आया थोड़ा बहुत बाबू आर्यन? अब बर्निका। हाँ सर आया सर, अच्छे समझ में आया सारा। हाँ तो इसे एंजॉय करके पढ़ना है। अरे सर तीन गो होमवर्क दिए ना बाबू, बच्चा पे अति बोझ डालोगे, एंजॉय करके पढ़ो ठीक है ना। सॉरी होमवर्क दे दिए।